वडोदरा महानगरपालिका के चुनाव अंतर्गत सावली स्थित एसटी बस को ये कामगिरी में जुटने के कारण सावली में मुसाफिरी करते वैसे पैसेंजरों की काफी परेशानियां बढ़ी है, जिसमें कई बस के रूट बंद करने के कारण यात्री परेशान हो रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव अंतर्गत सावली स्थित एस डेपो से कई बस को ये चुनावी कामगिरी में जोड़ा गया है, जिस कारण सावली से यहां पर अप डाउन करते वैसे यात्रियों की काफी परेशानियां बढ़ी है। वडोदरा नगर पालिका चुनाव अंतर्गत सावली एस डेपो से कई बस को ये कामगिरी में तैनात करने के कारण हजारों पैसेंजर को अब भटकने की नौबत आन पड़ी है। सावली तालुका औद्योगिक और शैक्षणिक रूप से काफी विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सावली स्थित होम्योपैथिक कॉलेज, आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेज और एशिया की सबसे बड़ी जीआईडीसी आई हुई है। कन्याशाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज भी यहां पर आई हुई है। तो वहीं यहां पर ढेरों विद्यार्थी सहित कई कर्मचारी रोजाना के लिए अप डाउन कर अपने कार्य के लिए यहां पर आते हैं। तो वहीं कॉरपोरेशन के चुनाव अंतर्गत यहां पर एसटी डेपो से कई बस को दो दिनों के लिए जोड़ने के कारण पिछले दो दिनों से यहां पर हर एक रूट के बस बंद कर देने के कारण यात्रियों की परेशानियां बढ़ी है, जिसमें नोटिस सावली पिकअप डेपो पर तंत्र द्वारा लगाने के कारण स्थानिक लोग वैसे पैसेंजर में भी भारी आक्रोश फूट निकला है। तो वहीं अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए अन्य कोई भी वाहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण अब ये मुसाफरों को अब भटकने की नौबत आन पड़ी है, जहां स्थानिक लोग वैसे यात्रियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। माध्यम से हूँ आज सरकार ने एवं पूछवा मागू छू कि आज सरकार ज्यांथी गुजरात देश गुजरात राज्य में आई है त्यांथी सामान्य प्रजा ने हाड़मारी वेठवानी आई है। आज सरकार ज्यांथी आई है त्यांथी प्रजा बिल्कुल बिचारी एटली बड़ी लाचार अने गरीब बनती थी गई है। दरेक जगह ने हाड़मारी वेठवानी आवे छे। आजे महानगरपालिकाओनी चूंटणीना कारणे सावली खाते बोर्ड मारवामां आव्युं छे कि 20 અને 21 મહાનગરપાલિકાના ચૂંટણીના કારણે ગ્રામ્યમાં ફરતી ગ્રામ્ય એસટી રૂટો બંધ કરવામાં આવશે। શા માટે ગ્રામ્ય પ્રજાએ તમારું શું બગાડ્યું છે? આ સરકારને ગ્રામ્ય પ્રજા શું ટેક્સ નથી આપતી, કરવેરા નથી ભરતી? આ ગ્રામ્ય પ્રજા આટલી બધી હાડમારી વેઠે, અત્યારે લગ્નની સિઝન છે, સ્કૂલમાં બાળકો જાય છે, લોકોને ખેતીનો સિઝન છે, આવા સમયે જો બસો બંધ કરતી હોય તો નીલજ અને નફટ સરકાર આનાથી કોઈ ના હોઈ શકે। આ સરકારે તાત્કાલિક સામાન્ય ગામડાની ગરીબ જનતાની ચિંતા કરીને બસો બંધ કરવાને બદલે તાત્કાલિક બસો ચાલુ કરે એવી મારી આ સરકારને અરજ છે। જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રવક્તા તરીકે આ બાબતે આપ આવનાર સમયમાં શું કરશો? આ બાબતમાં સરકાર તાત્કાલિક નિર્ણય લઈ લે તો ગામડા લેવલે ગ્રામ્યની પ્રજાને ભેગી કરીને આ સરકારના આવા નફ્ફટ નિર્ણયોને પ્રજા સમક્ષ જાગૃત કરવામાં આવશે અને પ્રજાને કહેવામાં આવશે કે આ સરકાર ગામડાની ગરીબ જનતાની કોઈ ચિંતા નથી કરતો અને આ સરકાર ફક્ત અને ફક્ત ઉદ્યોગપતિઓની ચિંતા કરે છે। ગામડાની બસો બંધ કરીને એમને બહુ જ ખરાબ કામ કર્યું છે, એ તાત્કાલિક બસો ચાલુ કરે એવી અમારી અરજ।